सर एक्चुअली ना हमारा यूट्यूब पे चैनल है, तो हम दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है डोमिनार की ब्रेक टेस्टिंग के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस गाड़ी में डुअल डिस्क इंस्टॉल किया था और एक हमारे पास खड़ी है KTM 250। दोनों में लगभग सेम ही ब्रेक आती है, लेकिन इसमें हमने डुअल डिस्क इंस्टॉल किया हुआ है। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं किस गाड़ी में अच्छी ब्रेकिंग मिलती है हमें, सिंगल प्लेट और डुअल प्लेट दोनों में कितना फ़र्क आता है, फ़र्क आता भी है या नहीं आता है। आप इधर आके देख सकते हैं, इसमें दो डिस्क प्लेट लगी हुई हैं, दोनों वर्किंग में। इसके पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और एक ये हमारे पास KTM है, ये स्टॉक है, इसमें सिंगल डिस्क प्लेट है। तो हम दोनों को कंपेरिजन करेंगे 60 से लेके 0 तक और 100 to 0, कितने टाइम में कवर होती है गाड़ी और कितना डिस्टेंस ये लेती है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और सेफ्टी का ख्याल रखिए, जब भी राइड कीजिए हेलमेट और सेफ्टी गियर पहन के ट्राई कीजिए। तो ऐसा आप कुछ लोग भी ट्राई मत करना, जो भी आपको करना हमसे कहिए, हम बैठे हम सब ट्राई करेंगे आपके लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम गियर अप हो चुके हैं। इस गाड़ी से पहले हम ट्राई करेंगे, ये हमारी मार्किंग है, ये जो बाइक खड़ी है इसी के जस्ट सामने से हम यहाँ से ब्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम ट्राई करेंगे 60 to 0 और डिस्टेंस कवर करेंगे, इसके हम दो टेक लेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे 100 to 0। Thank you.
अब हमने मार्किंग के लिए रख दी है डोमिनार को उसी जगह पर। अब ट्राई करेंगे हम ड्यूक 250 से। और ये हमारी मार्किंग, ये दो अटेम्प्ट हमने किए थे 60-0, फर्स्ट वाला ये, देन ये सेकंड वाला। और इसी तरीके से 100-0 वाला काफ़ी लंबा डिस्टेंस लग रहा है वैसे तो। आगे वाला वो फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये डिस्टेंस है। चलिए अब ड्यूक से ट्राई करते हैं कितना फ़र्क आता है। फर्क आया यार, बहुत फर्क आया बेस की मार्जिन, ये हमारी डोमिनार की मार्जिन। नहीं लगे थे, मुझे लग रहा था उड़ जाएगी गाड़ी, इसलिए मैंने थोड़ा तो उसको खड़े हुए इनको अपन को देख रहा हूँ जैसे। चलो हटा दो और क्या। अरे यार मत हटा, एक वीडियो लेना है डेक अपन को। हाँ बात कर लेंगे। चलो एक ठीक है कटाई कर लेते, कर क्या रहे हैं ये लोग लेकर यहाँ पे, अपन जाके बात करें। नहीं नहीं आ रही है ना वो। सर एक्चुअली है ना हमारा यूट्यूब पे चैनल है, तो हम दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी अच्छी है, किस में ज़्यादा पावर है, किसके ब्रेक अच्छे हैं। सुबह हाँ दोनों नए मॉडल है, एक ABS है एक विदाउट ABS भाई। हाँ वो तो हम हटा के जाएंगे, सही है ना। हाँ पहले बात कर लो अच्छा रहता, नहीं तो बाद में बोलते हो। इस बार पूरी ताकत से ब्रेक लगाया मैंने, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकती है।
पिछले पहिए की निशान देखो, स्केट करते हुए वहां से आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं ड्यूक का ये लास्ट स्टॉप है 100 to 0। अब यहाँ से अगर अपन स्टेप काउंट करते हैं तो अभी हो रहे हैं इसमें 280। ये हो रहा 308, मतलब ये समझ लो 28 स्टेप का डिस्टेंस है दोनों गाड़ियों की ब्रेकिंग में 100 to 0। और एक ये भी है, और मैं आपको बता दूं ये ड्यूक का 60 to 0 है, ये भी 60 to 0 है, और ये डोमिनार का है 60 to 0, और सबसे कम डिस्टेंस में ये वाला है 60 to 0। और ये हमारी गाड़ियाँ हैं, और अगर यहाँ से हम फुट स्टेप काउंट करें 3, 4, 5, इसमें आया 3, 5, 4, मतलब 9 स्टेप 60 to 0 में वहाँ से लेके यहाँ तक 9 स्टेप में कवर किया है डोमिनार ने। और यहाँ से आगे चलते हैं, ये ड्यूक का 363, मतलब और प्लस 9 होगा, 18 स्टेप में कवर किया है ड्यूक ने। तो देखा आपने, सब कुछ ट्राई करके हमने आपको बता दिया जितनी हमारी कोशिश थी। डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया, हो सकता है ड्यूक में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, इस वजह से थोड़ी सी लेट ब्रेकिंग हुई हो, लेकिन डबल डिस्क का ये है कि इसकी बाइट बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग में जो फील आता है उसमें फ़र्क है सिंगल डिस्क और डबल डिस्क के मुकाबले में। बाकी ब्रेकिंग में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कोई डिस्टेंस आएगा, थोड़ा सा क्या वो नॉन ABS है, इस वजह से भी गाड़ी थोड़ी लीड ले रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।